हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जो भी बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं या जो भी बच्चे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके दिमाग में एक बात की बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि उनको शुरुआत में किसी छोटी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर किसी बड़ी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बड़ी एकेडमी से क्रिकेटर बनना आसान होता है, वहाँ से आप बहुत ही जल्दी क्रिकेटर बन सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताने वाला हूँ कि आपको छोटी एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए या फिर आपको किसी बड़ी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कोई छोटी एकेडमी बेस्ट रहेगी या फिर आपके लिए बड़ी एकेडमी बेस्ट रहेगी। यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि बड़ी एकेडमी ज्वाइन करने से आप बहुत ही जल्दी क्रिकेटर बन जाओगे, तो ऐसे लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे लोग बड़ी एकेडमी ही ज्वाइन करते और सारे लोग इंडिया के लिए खेल जाते। दोस्तों, यह सिर्फ आपके दिमाग में मिथ बैठ गई कि बड़ी एकेडमी ज्वाइन करने से आप बहुत ही जल्दी क्रिकेटर बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एकेडमी का काम होता है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, एकेडमी सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, मान लो आप बहुत ही बड़ी एकेडमी ज्वाइन करते हो, लेकिन वहाँ पर आप खुद से कोई मेहनत ही नहीं करते हो, अपने तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं लगाते हो, तो फिर क्या आप ऐसे में क्रिकेटर बन पाओगे? मेरे दोस्त, बड़ी एकेडमी में आपको कोई घोल नहीं पिलाया जाता कि आपको चूरन को पानी में मिलाया, घोल बनाया और आपको पिला दिया और आप एक क्रिकेटर बन गए। मेरे दोस्त, क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके कोई क्रिकेटर बनता है, ऐसे कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग मेहनत करने से घबराते नहीं हो, आप अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो, तो आपके लिए कोई भी छोटी एकेडमी या बड़ी एकेडमी मैटर नहीं करती। आप छोटी एकेडमी से भी एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो। आप खुद ही देख लो कि इंडिया टीम के लिए जितने भी खिलाड़ियों ने खेला है, सारे के सारे प्लेयर्स एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे और उन्होंने भी अपने सफ़र का शुरुआत एक छोटी एकेडमी से ही किया था, लेकिन उनका उस समय सारा फोकस अपने प्रैक्टिस पर रहता था, अपने गेम पर रहता था। वो लोग कभी छोटी एकेडमी या बड़ी एकेडमी के चक्कर में नहीं पड़े और लगातार मेहनत करते गए, और आज देखो वो लोग आज किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। इसीलिए आप लोग भी किसी छोटी एकेडमी या बड़ी एकेडमी के चक्कर में ना पड़ें और अपना समय बर्बाद मत करें। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, अगर आपके अंदर क्रिकेटर बनने का जुनून होगा, तो आप छोटी एकेडमी या बड़ी एकेडमी किसी भी एकेडमी से क्रिकेटर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।